कृष्णा दोस्तों आज है हेल्थ और वेलनेस सीरीज का छठा वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी प्राणायाम की बात करूंगी जो आपको प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रखेगा ही साथ ही साथ आपके दिमाग को खोलेगा, आपके दिल को खुश करेगा, आपकी इंद्रियों पर आपका कंट्रोल करेगा। या आपके साथ में ये वाली प्रॉब्लम है ना कि हर रोम मेरे तो मैथ्स खराब है, मेरे तो रीजनिंग खराब है, मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता, मीटिंग में क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया, मैडम आके चली गई कुछ पता ही नहीं चला, काउंट करते करते गिनती भूल गए यार कितने पैसे थे कितने नहीं है। मैथ्स, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, फैक्ट्स, कंप्यूटर्स, इन सब में हालत पस्त है और हैंड राइटिंग वो बहुत खराब है। या आपके साथ में ये वाली प्रॉब्लम है कि यार मेरा तो कोई रिश्ता टिकता ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इसके लिए सीरियस हूँ या नहीं हूँ। और या आप बहुत ज़्यादा अकड़ू हो गए हैं, या आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्रिएटिविटी बिल्कुल ख़त्म है, म्यूज़िक आर्ट इन सबसे तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो इन सब चीज़ों को यानी कि आपकी इमोशनल हेल्थ को और आपकी मेंटल हेल्थ को दोनों को ये प्राणायाम बहुत अच्छा करता है। दोस्तों आज का वीडियो दो पार्ट पे डिवाइड है। पार्ट वन में हम बात करेंगे कि प्राणायाम क्या है, इसको करने का क्या क्या तरीका है, कौन कौन सा प्रोसेस है, इसके क्या गजब के फायदे हैं, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं समझते आप उस चीज़ में कंटिन्यूटी नहीं ला पाते हो, राइट। और पार्ट टू में हम बात करेंगे कि इसको कैसे करना है, यानी कि मैं आपको अपने साथ में ये प्राणायाम प्रैक्टिस कराऊंगी कैसे करना है और इसको करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। यानी कि पार्ट वन में हम सारी थ्योरी अच्छे से समझ लेंगे ताकि हमें पार्ट टू में यानी कि पूरा प्रैक्टिकल हम अच्छे से कर पाए, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ हम साथ में करेंगे, हाई फाई। तो फटाफट से शुरू करते हैं यार। अगर आज आप चैनल पे नए आए हो तो रेड बटन दबाओ, सब्सक्राइब करते हो, बेल जरूर बजाना ताकि मैं जब भी यहाँ आऊँ वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। बेसाइड दैट कोई प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पर जाओ, पेड कंसल्टेशन के लिए डीएम करो और मुझसे पर्सनली फ़ोन पर बात कर सकती हूँ। तो दोस्तों प्राणायाम कोई भी हो, हर प्राणायाम के चार बेसिक स्टेप होते हैं जो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, राइट। पहला स्टेप है पूरक। अब पूरक में क्या होता है, हम लोग गहराई से धीरे धीरे पूरे भर के अपने डायफ्रेम से सांस लेते हैं अच्छे से। दूसरा स्टेप होता है कुंभक। कुंभक में हम उस सांस को कुछ देर के लिए अंदर छोड़ते हैं। तीसरा स्टेप होता है रेचक। रेचक में हम उस पूरी सांस को धीरे 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 करके बाहर छोड़ देंगे। और फिर चौथा स्टेप होता है बाह्य कुंभक। इसमें हम जितनी देर बिना सांस के इजीली कंफर्टेबली रह सकते हैं उतनी देर हम बिना सांस के रहते हैं, फिर हम इसी प्रोसेस को दोहराते हैं, राइट। तो ये किसी भी प्राणायाम के चार बेसिक स्टेप है। अब मैं आज जिस प्राणायाम की बात कर रही हूँ उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसके बहुत 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 सारे फायदे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है? अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम एक नॉस्ट्रल से यानी कि एक नासिका से अच्छे से सांस भरते हैं गहराई तक और दूसरे नासिका से यानी कि दूसरे नॉस्ट्रल से उस सांस को हम छोड़ देते हैं। समझ गए? यानी कि एक नाक से सांस भरना, दूसरे नाक से सांस छोड़ना इस प्राणायाम में होता है। बाकी की विधि पार्ट टू में आपको पता चलेगी। अब इसके क्या क्या गजब के फायदे हैं वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों हमारा जो ब्रेन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज राइट हेमिस्फीयर एंड वन इज लेफ्ट हेमिस्फीयर। जब हम राइट नॉस्ट्रल से सांस अच्छे से लेते हैं, हमारे राइट नॉस्ट्रल ठीक से काम कर रही होती है तो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर की एक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है, और लेफ्ट नॉस्ट्रल से अच्छे से सांस ले रहे होते हैं तो हमारी राइट साइड की एक्टिविटी सही से होती है। अब तो हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक है राइट हेमिस्फीयर, एक है लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर हमारा गवर्न करता है एक्टिविटीज़ को जो कि है मैथ्स, रीजनिंग, लॉजिकल, फैक्ट्स, कंप्यूटर्स, हमारी हैंड राइटिंग, मतलब आपकी जो मेंटल इंटेलिजेंस है उसको अच्छा करने का काम करता है हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब बात करते हैं हम राइट हेमिस्फीयर की। राइट हेमिस्फीयर हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारी लोगों से मीठी मीठी बातें करना, अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करना, सबसे प्यार से बात करना, बात बात में फूटना ना, स्ट्रेस ना होना, डिप्रेस ना होना, और साथ ही साथ हमारी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छा करना, ये काम हमारा करता है राइट हेमिस्फीयर। इवन हमारे इंट्यूशंस, बहुत सारे लोगों को पहले चीज़ें पता चल जाती है ना, वो सब कुछ लोगों को पता चलता है जिस किसी का जो राइट हेमिस्फीयर है वो अच्छे से काम कर रहा होता है, राइट। यानी कि एक काम करता है हमारी मेंटल इंटेलिजेंस का अच्छा करने का और एक काम करता है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छा करने का। हम चीज़ें कैसे होती है दोस्तों, जब हम अपने राइट नॉस्ट्रल से अच्छे से भर भर के सांस लेते हैं तो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर की यानी कि आपकी जो मेंटल इंटेलिजेंस है वो अच्छी होती है, और जब हम
अपने लेफ्ट साइड से अच्छे से भर भर के सांस लेते हैं तो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है और इन दोनों को बैलेंस करने का जो काम है वो करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्योंकि हम इसमें दोनों ही नॉस्ट्रल में सांस भर रहे हैं, रोक रहे हैं, अच्छे से छोड़ रहे हैं, तो दोनों ही हेमिस्फेयर को अच्छे से एक्टिव ये कर देता है, राइट। अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है ना कि हम लोग स्ट्रेस रहते हैं, मूड अच्छा नहीं हो रहा है, मूड स्विंग्स बहुत बज रहे हैं, बात बात में रो जाते हैं, रिलेशनशिप डिस्टर्ब चल रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, नीरस से हो गए हैं, या पढ़ाई लिखाई काम काज इन सब चीज़ों में हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, हमारा इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को अच्छा करने का काम हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, राइट। गजब का प्राणायाम है ये, नहीं तो अब इसको सीखने के लिए मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए इसका पार्ट 2 जरूर देखो। हरे कृष्णा।